और देखिए राहुल के सियासी रण छोड़ने पर अब सियासी वार शुरू हो गया है। एक के बाद एक सियासी हमले राहुल गांधी पर हो रहे हैं। अब साक्षी महाराज ने बड़ा बयान दिया और कहा कि राहुल को रायबरेली की जनता भी हरा कर भेजेगी। तो देखिए राहुल गांधी ने यूपी में सीट बदली, उसके बाद साक्षी महाराज का राहुल गांधी पर बड़ा हमला देखने को मिला है। राहुल को बुरी तरह हरा कर जनता यहां से भी भेजेगी। अमेठी 2019 में बुरी तरह से हारे थे, बल्कि भाग गए थे। श्रीमती सोनिया गांधी ने रायबरेली में पहले ही हार स्वीकार कर ली, इसलिए लड़ने का इरादा छोड़ दिया और राज्यसभा में चली गई। बड़ी मुश्किल से इज्जत बचाने के लिए अपने साहबजादे को उन्होंने मैदान में उतारा है। रायबरेली की जनता बहुत समझदार हो चुकी है, इस चुनाव में राहुल गांधी को बुरी तरह से हरा करके भेजी। रायबरेली से जहां पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, आज नामांकन की आखिरी तारीख है, शाम 5 बजे तक आखिरी वक्त होगा नामांकन का, लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी यहां पर पहुंच गए हैं। सुबह जैसे ही ऐलान होता है कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ने वाले हैं, हालांकि उन्होंने अपनी परंपरागत अमेठी सीट इस बार छोड़ दी और अब रायबरेली में पहुंचे हुए हैं, अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और दूसरी तरफ ये भी सवाल बन रहा है कि आखिर आगे जनता की क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, क्योंकि जहां उम्मीदें सभी को थी कि राहुल गांधी अमेठी से और चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन अब राहुल गांधी ने रायबरेली का रुख कर लिया है, तो सवाल ये भी कि आखिर कांग्रेस की आगे की स्ट्रैटेजी क्या है कि केएल शर्मा को अमेठी से चुनाव में उतारना पड़ा है और रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तमाम सवाल जो बने हुए हैं, क्योंकि सोनिया गांधी की ये परंपरागत सीट रही है रायबरेली, और यहां से अब राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं, क्योंकि सोनिया गांधी राज्यसभा चुनाव लड़ चुकी हैं और अब ऐसे में देखना होगा कि उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती होती, क्या वही जो वोट बैंक है सोनिया गांधी का वो राहुल गांधी को भी मिलेगा, और अमेठी में केएल शर्मा के लिए कितनी बड़ी चुनौती खड़ी होती है, ये तमाम जो बातें देखी जा रही है। तो बिल्कुल, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी जो रायबरेली पहुंच चुके हैं, वहां की ये तस्वीरें हैं। देखिए इस बार जो मुकाबला है वो दिलचस्प इसलिए भी होने वाला है। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी का भारी हूं, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी के काबिल समझा। मैं आदरणीय खड़गे जी का, आदरणीय सोनिया जी का, आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय प्रियंका जी का तह दिल से आभारी रहूँगा, क्योंकि मैंने 40 साल इस क्षेत्र की सेवा करी है, ठीक है, आज भी कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, और मेरे को बहुत खुशी की बात है कि इतने छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी, मैं आभारी हूँ उनका। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी रण छोड़ करके भाग रहे हैं रायबरेली। ऐसा नहीं, राहुल जी रण छोड़ने वाले नहीं हैं और वो पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। ये आपकी जीत का मार्जिन क्या रहने वाला है? ये यहाँ की जनता के ऊपर रहेगा, इसका प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता। तो जब से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है तब से लेकर देखा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। अब बृजेश पाठक ने कहा है कि राहुल पहले वायनाड से लड़ेंगे और अब रायबरेली की जनता भी उन्हें स्वीकार नहीं करेगी, रायबरेली अमेठी में तो बीजेपी ही जीतेगी। उन्होंने कहा है कि राहुल अमेठी छोड़कर वायनाड गए थे, अब राहुल रायबरेली आ गए हैं और रायबरेली की जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो जैसे ही अमेठी और रायबरेली की सीटों पर उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हो रहा है, तमाम जो कयास थे उस पर विराम तो लग चुका है, लेकिन अब सवाल तो हर किसी के जहन में है कि आखिर अमेठी छोड़कर क्यों भागे राहुल गांधी। तो इधर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं बीजेपी की ओर से। रायबरेली अमेठी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। राहुल गांधी जी अमेठी से पलायन करके वायनाड गए, वायनाड से आकर के रायबरेली में। उत्तर प्रदेश की जनता, रायबरेली की जनता समझ चुकी है ये रणछोड़ दास लोग हैं, ऐसे लोगों को रायबरेली की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। रायबरेली अमेठी सहित सभी 80 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। तो देखिए इतनी जद्दोजहद के बाद अब नामों का ऐलान किया गया, जिसके बाद से प्रतिक्रियाएं आने भी शुरू हो गई हैं। बृजेश पाठक को सुन रहे थे आप, अब गिरिराज सिंह ने भी हमला बोला है, उन्होंने कहा है कि अमेठी हारे तो अमेठी छोड़ दी, अब राय
रायबरेली हारेंगे राहुल गांधी, ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अमेठी हारे थे तो अमेठी छोड़ दी, राहुल अब रायबरेली हारेंगे। पिछली बार स्मृति ईरानी से उनको हार का सामना करना पड़ा था, अमेठी जो परंपरागत सीट रही है उससे हार गए थे, अब रायबरेली से राहुल गांधी उतरेंगे, जिस पर गिरिराज सिंह ने हमला बोला है। गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया राहुल गांधी, हार गए अब अमेठी छोड़ दिए, इस बार रायबरेली भी हारेंगे वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया संतलत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह। और देखिए अमेठी का रण छोड़ने पर राहुल गांधी पर अब लगातार हमले हो रहे हैं। शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, ये भी जरा आप सबको सुनाते हैं। आज राहुल गांधी ने अमेठी को सरेंडर कर दिया। आज राहुल गांधी अमेठी में जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो उनका परिवार 50 वर्षों में नहीं कर पाया वो 5 वर्षों में स्मृति जी, योगी जी और मोदी जी ने अमेठी के लोगों के लिए किया, और इसीलिए अमेठी जाने की हिम्मत कांग्रेस के प्रथम परिवार में नहीं है। और अब देखे ना, वायनाड की जनता के साथ भी धोखा करना चाह रहे हैं। मतलब अमेठी ने रिजेक्ट किया तो वायनाड का इस्तेमाल किया, अब वायनाड रिजेक्ट करने वाला है तो रायबरेली के लोगों का इस्तेमाल करना। परंतु ये वायनाड के साथ जो धोखा करने वाले हैं, रायबरेली के लोग वो भी समझ चुके हैं। गांधी परिवार अब जहां से हार क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जी भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, और ये अब देश के सामने खुलकर बात आ गई है। अमित शाह जी का कहना है कि सीए के अंदर जो पहली सिटीजनशिप है वो इस महीने दे दी जाएगी, लास्ट डे से पहले। वर्षों पुरानी मांग कि जिन लोगों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया, जिनके ऊपर अत्याचार किए गए, और जिन्होंने भारत में आकर वर्षों तक यहाँ की नागरिकता का इंतज़ार किया, 2014 से पहले आए हुए ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने सीएए का कानून बनाकर उनके साथ न्याय करने का कार्य किया। अब वो शुभ घड़ी भी आने वाली है जब उनको नागरिकता मिलने वाली है। प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी चले गए हैं, आपको नहीं लगता सरकार इस पर बैकफुट पर आ जाएगी? निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी रही, कानून व्यवस्था कर्नाटक में चरमरा गई है। जब एक कांग्रेस के काउंसिलर की बेटी की दिन दिहाड़े चाकू घोप पर हत्या कर दी जाती है, चाकू से उसका गला रेत दिया जाता है, और वो काउंसलर कांग्रेस से है लेकिन कांग्रेस की सरकार उनको भी न्याय नहीं दिला पाती, वो सीबीआई मांग करते हैं, बेंगलोर में बम धमाका होता है, वहां पर जांच में आतंकवादियों को पकड़ा नहीं जाता, कर्नाटक की जनता को फिर न्याय नहीं मिलता, एनआईए उन आतंकवादियों को ममता के गढ़ से गिरफ्तार करती जहां पर ममता बनर्जी के राज्य में उनको पनाह मिलती है, विधानसभा में राज्यसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस के समर्थक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, न्याय फिर एक बार नहीं मिलता। ये है कांग्रेस का कर्नाटक का नाटक। आज आप कांगड़ा में हैं और वहाँ पर जिन पर वो आरोप जड़ते हैं उनको अपनी सरकार के चलते, जहाँ कानून व्यवस्था राज्य की सरकार का विषय है,
मान लीजिए अगर हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से दो महिलाओं की बेटियों की हत्या हुई, किसी की द्राट से हुई, किसी की दूसरे हथियार से हुई, वो अपने आप में एक भय की स्थिति पैदा करता है। अब आप ये उम्मीद करेंगे इसके लिए केंद्र की सरकार आके प्रदेश में गिरफ्तार करेगी, तो ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से कर्नाटक में भी अगर गिरफ्तारी करनी थी तो वहाँ की राज्य की सरकार को, जो बिल्कुल निकम्मी और निठल्ली बनी रही, कोई कदम उन्होंने उठाया नहीं। लेकिन कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को देखते हुए अगर कहें तो अमेठी में कुछ खास ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि केएल शर्मा जो है उनको प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। राहुल गांधी अब रायबरेली पहुंच गए, उसी की तस्वीरें आ रही हैं। आज रायबरेली से पर्चा भरेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस ने जारी की सूची। रायबरेली से राहुल तो अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं केएल शर्मा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा अमेठी से हारने के बाद अमेठी छोड़कर भागे हैं, अब रायबरेली से भी हारेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, कहा राहुल गांधी वायनाड से हार रहे हैं इसीलिए रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, कहा अमेठी और रायबरेली दोनों ही परिवार हैं, रायबरेली से राहुल जी हैं, अमेठी से किशोरी लाल जी हैं, लगातार जनता की सेवा करते हैं। अमित शाह के फेक वीडियो का मामला, आईएफएसओ जांच में बड़ा खुलासा, सबसे पहले तेलंगाना के आईपी एड्रेस से किया गया था वीडियो पोस्ट, चार लोगों को तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, दिल्ली साइबर सेल पूछताछ करेगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, आतंकियों की तलाश में जुटी सुरक्षा बल की टीम, हेलीकॉप्टर को भी तलाशी अभियान में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के रायसेन में बीजेपी विधायक ने थाना प्रभारी को मंच से दी धमकी, सुरेंद्र पटवा ने थाना प्रभारी के ट्रांसफर करने की धमकी दी है, थाना प्रभारी ने 10 बजे प्रचार बंद करने को कहा था। सीपीआई नेता अतुल अंजान का निधन हो गया, लंबी बीमारी के बाद लखनऊ में ली अंतिम सांस। यूपी के महोबा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, दो बदमाशों के पैर में लगी गोली, तमंचा समेत लूट का सामान बरामद। यूपी के आगरा में दो गुटों के बीच झड़प हुई है, मामूली बात पर आपस में भिड़े लोग, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में नल की पाइप से टकराई हाई टेंशन लाइन, हादसे में 3 लोगों को करंट लग गया, एक की मौत हो गई। बहराइच में बोलेरो कार और पिकअप वैन में हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।